जी बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। मैं डॉक्टर राजन शर्मा। तो प्रीवियस वीडियो बेटा मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम डायग्राम के साथ, ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जैसे आप देख रहे हैं, ग्राफ है ये आपका एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस का। रिएक्शन प्रोग्रेस का मतलब है टाइम पीरियड, कितनी जल्दी आपकी रिएक्शन हो रही है। तो एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी का मतलब यहाँ पे ये होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट स्टेट में कन्वर्ट करने में क्या करती है, मदद करती है। उसको बोलते हैं आप एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपकी जो भी एनर्जी, जिससे भी आपका रिएक्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, सबसे पहले आपका जो रिएक्टेंट होता है वो आपका इंटरमीडिएट स्टेट में कन्वर्ट होता है। इंटरमीडिएट का मतलब जिसमें अभी आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बने। जैसे आपके पास ए प्लस बी होगा, वो डायरेक्टली ए बी बन जाएगा। पहले ए और बी के बीच में हल्की हल्की सी क्या बनेगी, फोर्सेस बनेंगी। जो हल्की हल्की फोर्सेस होती है इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोसेस। तो जो एनर्जी जिससे आपका इंटरमीडिएट बन जाता है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे इस ग्राफ में दिखा रहे हैं हम आपको, ग्रीन और ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं। जो ब्लू लाइन है जो आपकी टच कर रही है रिएक्टेंट से पीक को टच कर रही है, ये जो एनर्जी है जो रिएक्टेंट से पीक तक लेके जा रही है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप देखते हैं जिस रिएक्शन में आपके पास एंजाइम नहीं है बेटा, जिस रिएक्शन में आपके पास एंजाइम नहीं है, तो उसमें आप उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। जिस रिएक्शन में आपके पास एंजाइम नहीं है, देखिए वहां पे आपको बाहर से एनर्जी देने की क्या पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो क्योंकि अगर आप बाहर से एनर्जी देंगे तभी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे, ए और बी पास पास आएंगे और क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा ए बी का। इसका मतलब अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में आपको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। हम बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसमें हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकंड केस, जब आप एंजाइम डाल देंगे तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम को जब आप डाल देंगे तो आपको बाहर से एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या रहती, कम रहती, क्योंकि जो एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है वो एक्टिव साइट ऑटोमेटिकली आपके रिएक्टेंट्स को अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। जिसकी वजह से आप वो जो जब एक्टिव साइट पे आते हैं रिएक्टेंट, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या बन जाता है, एक इंटरमीडिएट बेसिकली दैट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस केस में आपके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। इसका मतलब जब आप एंजाइम डालते हैं बेटा तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। जब आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी उतनी ही जल्दी आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनता है। तो एक आप पॉइंट याद रखिए इस डायग्राम से, ग्राफ से, कि जब आप एंजाइम डालेंगे तो एंजाइम क्या करता है, आपके रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो कि एनर्जी होती है रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए, वो कम कर देता है। कम कैसे करता है, क्योंकि वो एंजाइम अपनी एक एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है, उस एक्टिव साइट पे आपके पास ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट आके बाइंड कर जाते हैं और वहां से क्या बन जाते हैं, बॉन्ड्स बन जाते हैं, और उनके बीच में क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन के वो वहां से बाहर चला जाता है। तो कहने का मतलब एंजाइम एक तरह से एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, क्या दे रहा है, प्लेटफॉर्म, जहां पे रिएक्टेंट आते हैं और उनके बीच में बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो जाता है या फिर बॉन्ड्स टूट जाते हैं और वहां से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर। तो मैं लास्ट टाइम भी आपको, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट ये है कि एक रूम, मान लीजिए एक रूम है, उसमें दो मॉलिक्यूल्स ए और बी पड़े हैं। फर्स्ट केस में आपने बाहर से एनर्जी दे दी तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे और उनके बीच में प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जब एनर्जी दी है तो उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। सेकेंड केस में सेंटर में आपने एक रख दिया मैग्नेट, जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, वो मैग्नेट क्या करता है, ऑटोमेटिकली ए और बी को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपने सरफेस पे। जब उसकी सरफेस पे लग जाएंगे तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेकंड वाले केस में बेटा अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। तो इसलिए हम बोलते हैं एंजाइम आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और जिसके कारण आपकी रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है, जो रिएक्शन का टाइम है, वो क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, ये सबसे पहले एक पॉइंट बता दें कि एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी रिएक्शन की डेल्टा जी को चेंज नहीं करता। डेल्टा जी का मतलब होता है गिव फ्री एनर्जी, उसकी कभी चेंज नहीं करता, ठीक है, उस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो दिस इज बिकॉज दे डू नॉट चेंज द रिएक्टर एंड प्रोडक्ट फ्री एनर्जी। वो रिएक्शन और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी को कन्वर्ट चेंज नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ आपके रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जो कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या करती है, इसको कन्वर्ट करने में मदद करती है। बेटा ये सब था आपका एक्टिवेशन एनर्जी। फिर
एक्टिवेशन एनर्जी से ही आपके पूरा आपका एंजाइम का मैकेनिज्म क्या होता है आपको इजिली क्या हो जाएगा अंडरस्टूड।